यहाँ से अब बाकायदा तौर पर फेयरवेल पार्टी के साथ रुख्सत हो रही है, उसमें आप शामिल हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आज आप खुश हैं या कि आप अफसरदा हैं? नहीं, आप तो जाहिर है खुशी होंगे क्योंकि पहली हमारी फेयरवेल पार्टी है। हाँ। और सबसे पहले हम प्रिंसिपल साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि उनके उन्होंने पार्टी रखी, तो बहुत मैं खुश हूँ। और हम दोस्त साहब ने हल्ला भी सबसे पहले किया है। अच्छा। तो फिर आप पार्टी का जो है इहतमाम हो रहा है, तो हमारी जो स्टेज परफॉर्मेंस है वो शुरू होने वाली है, तो मैं आज बहुत ही नहायत खुश हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ सब साझा का जिन्होंने हमारे लिए के लिए ये सारा कुछ। अच्छा, मैं फीडबैक ये भी लेना चाहता हूँ कि कॉलेज के जो प्रोफेसर टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, आप उनसे उनकी पढ़ाई से मुतमिन हैं? मैं आपको ये बताऊंगा कि उनकी पढ़ाई से इतना मुतमिन हूँ और मैं किसी साझा की बुराई भी नहीं करता। जैसा भी उन्होंने पढ़ाया मैं बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे नंबर आए थे, तो फर्स्ट आया था इस कॉलेज में भी, तो इंशाल्लाह सेकंड ईयर में फर्स्ट आऊँगा। तो एक बात ज़रूर है कि मैं बेशक अलीपुर चिट्ठा से आया हूँ लेकिन मैं इस कॉलेज का नाम रोशन करूँगा और ज़रूर लाजमी। मैंने भी काफ़ी कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा, तो देखें जो प्रोफेसर है ना वो बड़े बड़े रुखे से होते हैं, आकर क्लास में खड़े होते हैं, लेक्चर देते हैं और निकल जाते हैं, किसी से बात भी नहीं करते। तो यहाँ पर टीचर्स का रवैया कैसा था आपके साथ? देखिए, हर कॉलेज में ऐसा होता है, प्रोफेसर करते हैं, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का बाद कॉलेज है, बहुत ही मैंने बहुत ही जांच पड़ताल की है, हर एक नुक्ते तक पहुँचे लेकिन मुझे कोई भी बुराई नहीं महसूस हुई। हर एक टीचर आता है अपनी आगे वाला अपने पढ़ा कर जाता है, चेक करता है होमवर्क, ऐसे कहें जैसे कि मैटर के किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो फुल मेहनत कर रहे हैं जिसके बाद जिसकी वजह से हम इस मतलब मुकाम पर पहुँच चुके हैं और हमारा ये लेवल और स्टेटस हो चुका है। सदैव रायत, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी में हर मैदान में कामयाब करे। तो इसी के साथ अब बाकी स्टूडेंट्स की बात करते हैं, ठीक है? ओके, अल्लाह। तो नाम मैं नाम देना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत पास है और मेरे बहुत अच्छे से दोस्त हैं, चौधरी बहुत खुशी हुई है आज हम सब इकट्ठे हैं, साझा काम भी करते हैं, किसी को साथ हमारे साथ बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं सब, क्योंकि आज फेयरवेल पार्टी है। तो सबसे पहले तो हम सब सेकंड ईयर की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं हम फर्स्ट ईयर क्लास का बिलखसूस टीचर निगत का जिन्होंने हमारे लिए ये इंतज़ाम किया, हमें पार्टी दी, तो नहायत ही बहुत ही पुरबकार ये मौका है कि हम इकट्ठे हुए हैं, आराम से इंजॉय भी कर रहे हैं। तो बात ये मैंने करनी थी कि ताल्लुक मेरा अफजाबाद के इलाके से है, अब गुजरात आया हूँ तो यकीन माने कॉलेज जितने भी कॉलेज देखे हैं बहुत ही अटेंडेंस उनकी होती है, बहुत ही उनकी जो है परसेंटेज होती है बच्चों की, लेकिन असल बात है अगर किसी कॉलेज में 100 बच्चे हैं ना तो 50-40 हाजिर होते हैं। और मैं इस बात की गवाही देता हूं कि हमारे कॉलेज जैसी स्टडी किसी कॉलेज में गुजरात में नहीं होती। दूसरे कॉलेज में आप जाएं तो प्रोफेसर आते हैं सिर्फ समझाते हैं, लिख के वो भी बात ही करते कि बच्चा आया या नहीं आया या तुमने किया या नहीं। अब हमारा मसला ये है असाज़े इकराम आते हैं, हमें ऐसे लीड करते हैं, अपने बच्चों जैसा प्यार देते हैं, दोस्तों जैसा प्यार करते हैं, सब असाज़ा अच्छे हैं। 2 साल मैं रहा हूँ यहाँ और अब कंप्लीट हो रहा सेशन, लेकिन असल बात जो ये है कि मैं इस कॉलेज जो ये कॉलेज है मेरी ज़िंदगी का एक तोहफा है और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने फ्यूचर में इस कॉलेज को भी याद रखूँगा और इस कॉलेज का नाम भी रोशन करूँगा। और बिलखसूस प्रिंसिपल साहब ने बहुत ही अच्छी काविशों से इस स्कूल को इस कॉलेज को बदल कर रख दिया है, डिसिप्लिन कायम किया है। तो मुझे सबसे जो अच्छी लगी है 2 साल में पढ़ाऊँ, पहले साल में मुझे सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा स्टेटस मेरा हुआ है वो हुआ है चांद आफ्ताब साहब की तरफ से, और दूसरे नंबर पे जो दूसरे साल में मेरी जो स्टेटस आई हुआ है वो मज़र हाशमी साहब की तरफ से हुआ है। लेकिन असल बात है मदर हाशमी साहब का ये 1 साल का स्टेटस नहीं है, ये उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी का जो आने वाली जिंदगी है उसका भी स्टेटस साइड कर दिया है। अब मैं उनकी काबिलियत से आगे भी मेहनत करूंगा और इंशाल्लाह हर साल और इंशाल्लाह आगे क्लास में भी कामयाब होकर दिखाऊंगा। और मदर हाशमी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरा स्टेटस यहाँ तक पहुँचा दिया।